नाम भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन इरादा कुछ और। भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी का असली मकसद भारत को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना है। जी हां, ये बातें सुनकर आप दंग रह गए होंगे, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे कांग्रेस की देश और सनातन विरोधी मानसिकता उजागर होती है। सबूत नंबर एक, यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही राहुल गांधी ज्ञान लेने के लिए सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलने वाले पादरी जॉर्ज पोनिया के पास पहुंचे थे, जिसने शक्ति को ईश्वर मानने से इनकार करते हुए कहा था कि ईसा ही असली भगवान है। आप खुद सुनिए। सबूत नंबर दो, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हैदराबाद में राहुल गांधी चार मीनार गए, लेकिन पास में ही भाग्य लक्ष्मी मंदिर नहीं गए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी चर्च मस्जिद में जाते रहे हैं। जाहिर है राहुल गांधी का मकसद इस यात्रा के जरिए एक खास वर्ग को खुश करना है। सबूत नंबर तीन, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले संगठन आरएसएस के ड्रेस को जलाते हुए दिखाया गया है। ये विवादित ट्वीट करने की प्रेरणा उस धर्म से मिली है जो दूसरे धर्मों के ग्रंथों को जलाने के लिए इतिहास में बदनाम है। सबूत नंबर चार, राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान वो हरकत की जिससे 130 करोड़ देशवासियों का सिर शर्म से झुक गया। राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने चीन की चापलूसी की सारी हदें पार करते हुए ये तक कह दिया कि भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक बॉर्डर पर पीट रहे हैं, जबकि वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में भारतीय सेना चीनी सैनिकों को खदेड़ते नजर आ रही है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सबूत नंबर पांच, सेना का अपमान करने वाले राहुल गांधी को हिंदी भाषा से भी आपत्ति है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो मंच से हिंदी का अपमान करते हैं। अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी। राहुल गांधी जी, आपको पता होना चाहिए कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी भाषा को देश दुनिया में काफी सम्मान मिल रहा है। बड़े बड़े देशों के नेता हिंदी बोलने में गर्व महसूस कर रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अभी की बार ट्रंप सरकार अच्छे दिन जरूर आएगा। मेरा प्यार बारा नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मोदी हाई टू मुमकिन हाई। मोदी मेक्स इट पॉसिबल। फेरेक बार कैमरन सरकार। इन तथ्यों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा महज एक दिखावा है, असली मकसद कुछ और है।